सईदा हुमा गिलानी है और मैं एज अ गेम टीचर द ट्रस्ट स्कूल में काम कर रही हूँ और मुझे यहाँ पे तकरीबन 5 साल हो गए हैं। मैंने अपने स्कूलिंग लाइफ में स्पोर्ट्स को स्टार्ट किया और जो मैंने स्पोर्ट्स का स्टार्ट था वो एथलेटिक्स से लिया और एथलेटिक्स के साथ साथ मैंने हैंडबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी जो है उसे कंटिन्यू किया और हॉकी मेरी फेवरेट गेम थी और हॉकी को मैंने एज ए इंटरनेशनल प्लेयर भी खेला। अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स में मैंने काफ़ी इज्जत कमाई और गोल्ड मेडलिस्ट रही, बहुत अच्छी प्लेयर थी एथलेटिक्स की और 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर लॉन्ग रेसेस, उसके अलावा रेले रेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सारी गेम्स मैं करती थी और इसमें मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलराउंडर प्लेयर भी रही और पंजाब ओलंपिक्स में मैं तकरीबन 3 बार ऑलराउंडर प्लेयर रह चुकी हूँ। चैलेंजेस जो लड़कियों के लिए ना वो आपके घर से स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो कहते थे कि नहीं, आप एक लड़की हैं तो आपने गेम्स नहीं खेलनी ना, हमारे खानदान में अच्छा नहीं समझा जाता था। तो जब मैंने अपने पेरेंट्स को एग्री किया और मैंने स्पोर्ट्स को कंटिन्यू किया और मैंने खेला और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके अपने मुल्क का नाम रोशन किया, तो यकीनन जब मेरे माँ बाप को फ़ख्र महसूस हुआ तो अब वो फ़ख्र करते हैं कि हमारी बेटी ने अच्छा फ़ैसला लिया। और लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे मेरा ये पैगाम है कि वो ज़रूर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें और जो फील्ड, जिस फील्ड में वो इंटरेस्ट रखती हैं उसे ज़रूर ज्वाइन करें। और स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड है जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा कर देती है, तो एज अ ब्रेव गर्ल आपको एज अ फाइटर होके चलना है और दुनिया का सामना करना है और अपने मुल्क का भी नाम रोशन करें, अपने घर वालों का भी नाम रोशन करें और अपने स्कूल का भी नाम रोशन करें।